हे एवरीवन, कैसे हो आप सर? वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं हेयर मास्क के बारे में, ठीक है, जिसको लगाने से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जैसा फील होगा, ठीक है, और वॉल्यूम रहता भी है बालों में, जिसके बाल बहुत ही एक दो बार शैम्पू करने के बाद ही चिपके चिपके से हो जाते हैं, उसके लिए ये मास्क बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं उसको भी ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झाड़ू जैसे हो गए हैं, जैसा कि होता है ना कि कॉम करने के बाद आप देखते होंगे वो सही से कॉम नहीं होता है, मतलब वो खराब गुच्छा जैसा बन जाता है, झाड़ू जैसे हो जाते हैं बाल, झाड़ू जैसा रहते हैं, रफ हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ वैसा बाल अगर आपके हो जाते हैं तो ये मास्क आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बालों को सिल्की एंड शाइन बनाने में, ठीक है। हेयर फॉल को भी ये कंट्रोल करेगा। आपके अगर बाल नहीं निकल रहे हैं जहाँ से बाल झड़ चुके हैं, मैं हमेशा अपने हेयर मास्क वाले वीडियो में बताती हूँ कि बाल झड़ना तो ये कॉमन है ही, बाल अगर रिग्रो नहीं हो रहा है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा समस्या हो जाती है, ठीक है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो अगर 50 से 60 बाल अगर झड़ रहे हैं तो ये कॉमन होता है, ठीक है। बट हाँ, हम अपने इस मास्क से उसको भी फिक्स कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर 50-60 बाल भी अगर रोज़ झड़ रहे हैं तो समझो कितने बाल झड़ जाएंगे, है ना। तो इसको भी फिक्स करना होता है हमें। हम चाहते हैं कि मतलब डेली यूजेज में 10 से 12 बाल गिरे, जो कि कॉमन होता है। डॉक्टर्स का कहना होता है कि 50-60 से 100 बाल मिनिमम, मैक्सिमम 100 बाल गिर सकते हैं, ये नॉर्मल होता है। बट हम उसको फिक्स कर सकते हैं खुद का कंट्रोल करके, डाइट कंट्रोल करके, वाटर बैलेंस करके, पानी को बैलेंस करके, और कुछ भी जो भी है एक्सटर्नली हम लोग कुछ लगा करके अपने जो 50-60 जो बाल गिरते हैं उसको भी हम लोग सही कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको इस हेयर मास्क के लिए क्या करना है, आपको लेना है चावल का माड़, ठीक है। आप सबको पता होगा हर घर में हमारे यूपी बिहार में चावल माड़ पसा के ही बनता है, ठीक है, बहुत से घरों में ऐसा बनता ही होगा। तो बहुत लोग कुकर में बनाते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको चावल को माड़ निकालना है उसका, ठीक है। चावल बनाने के बाद उसको माड़ पसाना है, उसको उस माड़ को आपको क्या करना है, आप चाहो तो उसमें आप उसको एक दिन पहले रात को, अगर रात को चावल बना है तो रात को आप उसको माड़ निकाल लो, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, 3 से 4 चम्मच जो तीसी का दाना होता है यानी कि फ्लैक्सीड होता है, 4 से 5 चम्मच आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, हम अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग 4 चम्मच डालते हैं बड़े चम्मच से, तो 4 से 5 चम्मच आपको लेना है, उसमें डाल देना है, उसको ढक करके आपको रख देना है। देन आपको सुबह में क्या करना है, उसको गैस पे उसको बॉयल करना है, ठीक है। गैस पे आपको बॉयल करना है तब तक जब तक वो लटपट जैसा नहीं हो जाए, जैसे कि सब्जी बनाते हो ना या चटनी वगैरह लटपट जैसा, कुछ वैसा आपको करना है, आपको उस तरीके से आपको बनाना है उसको लटपट करके, ठीक है। उसके बाद उसको ठंडा होने देना है। देन आपको उसको मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे तरीके से पीस देना है, ठीक है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ठीक है, पहले सुना मेरी बात, अगर आपके बाल नॉर्मल झड़ रहे हैं तो ये कॉमन फ्रिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बट आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इसमें आप कैस्टर ऑयल जो होता है उसका भी आप 2 चम्मच मिला सकते हो, छोटे चम्मच से, ठीक है। आपको ये जो बाल झड़ना है ना, इसको बहुत ही जल्दी ये ख़त्म करने का रहेगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी ये स्टॉप कर पाएगा, ठीक है। मैं ये सब मास्क जो है जो मैं चैनल देखती हूँ, मैं इसको 2.5-3 सालों से रेगुलर अप्लाई कर रही हूँ, शादी से पहले ही से मैं रेगुलर अप्लाई कर रही हूँ, और मेरे जो बाल हैं वो झड़ते भी हैं। और देखो, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, बाल झड़ना कॉमन समस्या है, ज़्यादा झड़ रहा है तो ज़्यादा समस्या है, और बाल नहीं निकल रहा है तो सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ये आप देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे 1 महीने से मेरे हेयर इशू चल रहे थे, मेरे को पेट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत दवा चला, ठीक है ना, मतलब 1 महीने से मैं दवा बहुत खाई, जिसकी वजह से मेरे को पिंपल्स भी बहुत आए, हेयर फॉल भी काफ़ी हुआ। बट मैं फिर उसके बाद मास्क लगाना स्टार्ट की, तो आप देख सकते हो मेरे छोटे छोटे से जो बेबी हेयर्स हैं, इसको क्या बोलते हो, ये आना स्टार्ट हो गए हैं। होता क्या है कि बाल झड़ने के बाद वो पूरा स्काल्प दिखने लग जाता है गाइस, बट आप देखो ये छोटा छोटा पूरी जगह पे हमको छोटा छोटा ये देखो छोटा दिखने का होगा, छोटे छोटे बाल आने स्टार्ट हो गए हैं। ये मेरा 1.5 महीने का ही कमाल है, ठीक है ना, कोई यहाँ पे मैं जादू नहीं करती, कुछ नहीं करूँगी, आपको खुद समझ में आएगा दोस्तों, करना पड़ता है, लगना पड़ता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ नहीं होता फ़ायदा, ऐसा नहीं है, फ़ायदा होता है, आपको उसके पीछे लगना पड़ता है, करना पड़ता है, फ़ायदा होता है, आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। आप यही है कि आप मार्केट से अगर प्रोडक्ट लाते हो, महंगा सामान लाते हो और उसको लगाते हो, फिर आपको रिग्रेट होता है कि अरे इतना महंगा पैसा लगा दिया इस मास्क में, इसमें लगा दिया, और वो फिर उसके बाद एक टाइम के लिए फ़ायदा करता है, फिर फ़ायदा करना बंद कर देता है वो, जब आप उसको छोड़ते हो, और आपका इतना तो बजट नहीं हो पाता ना कि आप महंगे, आपको पता होगा मार्केट में कितना महंगा, मतलब यार प्राइस तो सुनो पहले, 699, 799, 399, 499, मतलब ऐसा दाम ये लोग रखे हुए हैं कि मतलब हम तो सोचते हैं लगाने से पहले, पता नहीं, सबकी अलग अलग वो होती है, प्रॉफिट खर्च की बात होती है। और मैं सच बताऊँ तो मैं ज़्यादातर घरेलू चीज़ों में ही पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ। मैं अपने हमेशा हेयर मास्क के लिए एक तीसी का बड़ा सा डब्बा, 1 kg का, ठीक है, मेथी दाना, ये दोनों मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, मेरे हेयर केयर रूटीन में होता ही होता है, मुझे हफ्ते में एक मास्क लगाना ही होता है, चाहे ठंडी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, है ना, कुछ ऐसा है। तो घर की चीज़ों से भी आप अपने बालों का केयर कर सकते हो गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं होता है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा करता है, ठीक है। तो मैं हमेशा से, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपना
हेयर स्टोरी आपको शेयर करूँगी कभी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं कितना ज़्यादा हेयर फॉल से परेशान थी और बहुत परेशान थी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस घर में बहुत कुछ स्ट्रेस ये वो तो होता है, बहुत सा कारण होता है। तो आप जब आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि हेयर फॉल हो रहा है कैसे कुछ करें कैसे ठीक करें, सब ठीक हो जाता है दोस्तों, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। और हाँ, मैं यही कहूँगी कि पानी अभी ज़्यादा पियो, डाइट अच्छा रखो, डाइट इन द सेंस कि मतलब बाहर का जंक फूड कम खाओ, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा ये वो जो भी कम खाओ। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को 3 महीने हो गया, मैंने 3 महीने से पिज्ज़ा नहीं खाया है और हमारा हर संडे ऐसे ही चला जा रहा है कि मुझे पिज्ज़ा खाना बस नहीं हो पा रहा है। हाँ, महीने में एक बार आप ऐसा कुछ रखो कि हाँ कुछ होता खाना ऐसा वैसा खाना है, बट कोशिश करो कि हमेशा घर की चीज़ें खाओ, पानी ज़्यादा पियो, नारियल पानी पियो, ये सब आप अपना इंटरनली भी अपने बॉडी को एक्टिव रखते हो, फिट रखते हो, तो आपका जो नेचुरल जो ग्लो है वो हेयर में स्किन में अपने आप दिखता है दोस्तों। आप कुछ ऐसे ध्यान रख सकते हो अपनी स्किन का, इंटरनली फिट रख सकते हो। और इस मास्क को लगा करके जो आपको पेस्ट बनाया है आपने, इसको लगा करके आपको रखना है कम से कम 1 घंटे, ठीक है, 40 मिनट्स भी आप रख सकते हो, 40 मिनट्स मिनिमम है, आप इसको मैक्सिमम रख सकते हो 1.5 घंटे, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। और ये आपको आपके बालों से इजीली निकल जाता है, आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल जो शैम्पू यूज करते हो, मैं फिलहाल सेंसिल्क यूज करती हूँ क्योंकि आता है 1 रुपये वाला, मैं डब्बा बड़ा नहीं रखती हूँ, मैं पहले ट्रेस में यूज कर रही थी, मुझको बहुत सूट कर रहा था, बीच में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि शैम्पू खराब था, मैंने थोड़ा सा स्विच किया क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है ना कि साल भर यूज करते हो शैम्पू, तो थोड़ा सा कभी कभी स्विच करना चाहिए। तो मैं पहले सेंसिल्क भी यूज करती थी। हाँ, ये नहीं है कि आप सनसिल्क यूज नहीं कभी किए हो तो फिर अचानक से कर रहे हो, होता क्या है कि देखो बचपन से हम लोग जब इतने बड़े हो गए होते हैं तो 2-3 शैम्पू तो हम लोग जरूर से चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो आप कुछ वैसा स्विच किया करो कभी, जैसे कि डब करते हो अगर पहले करते थे स्विच करते थे तो फिर उसको स्विच करो, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो मैं पहले ट्रेस में यूज करती थी जिसमें का मैंने सारा वैरायटी यूज किया, काफ़ी अच्छा स्विच होता वो, बट अभी मैं सनसिल्क यूज कर रही हूँ जो कि मेरे बालों में काफ़ी सूट करता है, जिससे 1 रुपये का पत्ता आता है, मैं 20 रुपीज़ का ला करके रखती हूँ अपने, ठीक है ना, खिलाने में ही मैं लाती हूँ, तो वो काफ़ी चलता है मेरा, 1 महीने से भी ज़्यादा चलता है, मतलब एक बार में मैं 2 सेशन यूज करती हूँ, 1 रुपया यानी कि 2 रुपये का शैम्पू, ठीक है। तो आपको शैम्पू नॉर्मल यूज करके उसको जो मास्क है आपने लगाया है उसको अच्छे से धो देना है, उसको निकाल देना है बालों को। और देखो तीसी आपने लगाया है ना तो वो पूरे तरीके से जो तीसी का जो छिलका होता है ना वो कहीं कहीं बालों में ही रहता है, तो आप जब शैम्पू कर लोगे वो पूरा तीसी निकल गया होता है, बस जो छिलका वो कहीं कहीं गीला की वजह से आपके बालों में चिपक जाएगा, तो उससे आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, कि स्ट्रेस मत लेना कि यार ये तो बालों में ही रह गया है, आपका बाल जैसे ही सूखेगा वो पूरा छिलका जो है जब आप कॉम्बिंग करोगे ना तो अच्छे तरीके से मतलब पूरा का पूरा निकल जाता है और आपके बाल काफ़ी ज़्यादा शाइन से लगते हैं, आप देख सकते हो। मैंने ये मास्क बनाया है, उसके बाद शैम्पू मैं की हूँ और मेरे बाल कितने सिल्की सिल्की से लग रहे हैं, तो क्योंकि मैं परसों गई थी बाइक से कहीं बहुत ही लॉन्ग ड्राइव पे कहीं दूर, तो जिसके वजह से अगर आप चोटी बांध जाते हो तो नीचे का जो बाल खुला सा होता है ना वो पूरा बाइक पर बैठने से पूरा फ्रीज हो जाता है, ठीक है, तो मेरे बाल बहुत ही झाड़ू जैसे हो गए थे, इसी वजह से मैंने ये मास्क लगाया था। और मुझको ये आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट सा लग रहा है बाल, कोई लिवॉन वगैरह कुछ भी मैंने नहीं लगाया है, तो इस तरीके से आप ये मास्क बना के लगाओ, आपको बहुत फ़ायदा होगा और डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। और हफ्ते में आप ये एक मास्क ऐसा है जो आप हफ्ते में एक दिन जरूर से लगाना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे चैनल पे 3-4 तरीके का मास्क है जो कि मैं हमेशा लगाती हूँ, मैं ज़्यादा भी कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं जो करती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये नहीं कि हाँ सब कुछ लगा लिए, ऐसा नहीं करना आपको गाइस। आपको एक बार में अगर आपने ये जो पीसी और मार का जो मास्क आप बना के लगा रहे हो इसको आपको कम से कम 4 से 5 बार लगाना है, अब आप हफ्ते में 2 बार लगाते हो 3 बार लगाते हो या डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है, ठीक है। मैं हफ्ते में एक दिन जरूर से लगाती हूँ, तो आपको इसको 5 से 6 बार कोई भी मास्क को आपको 5 से 6 बार रेगुलर करना है, तभी जाकर के आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ट्राई जरूर से कीजिएगा, ये मास्क बहुत ही अच्छा मास्क है और आपके जो बाल हैं जो फ्रिजनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बालों में वॉल्यूम भी रहती है, ऐसा नहीं कि हाँ वॉल्यूम नहीं रहता है, मतलब भारी सा आपका बाल लगेगा, हैवी सा फील होगा। आपको ट्राई जोर से करना ये माल और तीसी का जो हेयर मास्क मैंने आपको बताया है, और मिलते हैं नई वीडियो में गाइस बहुत जल्द कुछ डिफरेंट हेयर मास्क के साथ या कुछ डिफरेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, बहुत सारा पानी पीजिए, बहुत अच्छा अच्छा खाइए और अच्छा अच्छा हमेशा सोचिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, तो आपके साथ सब पॉजिटिव होगा और सब अच्छा होगा दोस्तों। तो मिलते हैं गाइस, बाय, टेक केयर।